मेरा नाम दंगुनसाई पुल है। मेरे पति कालिखो पुल थे। कालिखो पुल अरुणाचल के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने कांग्रेस की नाबुदुखी सरकार के खिलाफ बगावत कर ली थी और अरुणाचल में प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। इसके बाद बीजेपी के समर्थन से कांग्रेस के बागी विधायकों ने सरकार बनाई और कालिखो पुल को उस सरकार का मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2016 में अरुणाचल में कांग्रेस की सरकार को बहाल करने का फैसला सुना दिया। इसके बाद कालिखो पुल को मुख्यमंत्री का पद से हटना पड़ा। जब यह केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, मेरे पति ने हमसे कई बार यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केस अपने हक में करने के लिए पैसे मांग रहे हैं, लेकिन मेरे पति एक ईमानदार व्यक्ति थे और उन्होंने पैसे नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद मेरे पति बहुत निराश हो गए थे और उन्होंने 9 अगस्त 2016 को आत्महत्या कर ली। उन्होंने 60 पेज के एक नोट लिख के छोड़ा था। हमें आशा थी कि पुलिस उस नोट पर इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन 7 महीने के बाद भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। 16 फरवरी 2017 को मुझे एक सपना आया जिसमें मेरे पति हमारे घर की अंधेरे डाइनिंग रूम में घुसे और उन्होंने मुझसे पूछा, बत्ती क्यों नहीं जलाई। इससे मुझे लगा वो मुझे कह रहे हैं कि इस पूरे विषय को दबाया क्यों जा रहा है और इस पर कोई रोशनी क्यों नहीं दिखा रहा। इसलिए आज इस सुसाइड नोट को आपको पढ़कर सुनाऊंगी। मेरे विचार। मैंने एक बहुत ही गरीब और पिछड़े हुए घर में जन्म लिया। मैंने उम्र भर दुख देखे हैं, दुख को साया और बहुत बार उन पर विजय भी पाई है। वहीं मेरे जन्म के 13 महीने बाद ही माँ का साया छिन गया। जब मैं 6 साल का हुआ तो पिता भी भगवान को प्यारे हो गए। कोई भी यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाता, मतलब जन्म से हर कोई खाली हाथ आता है और एक दिन खाली हाथ ही चले जाता है। अगर हर इंसान इस बात को समझ ले तो कभी भी धर्म जाति ऊंच नीच अमीर गरीब के नाम पर झगड़े नहीं होंगे। लेकिन आज इंसान इन बातों को भूलता चला जाता है। वह इन चीजों के लिए मरने मारने तक को भी तैयार हो जाता है। मैं यह जानता हूँ कि इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। जो आज मेरा है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है, लेकिन परिवर्तन को नियम के तहत और सही ढंग से होना चाहिए। गरीबी और लाचारी की मार झेलते हुए मैंने दिन में 1.5 पैसे पर भी मजदूरी का काम किया है, जिसमें मैं 45 रुपए महीना कमाता था। मैं बचपन में नियमित दिन स्कूल नहीं जा पाया, लेकिन अपने कारपेंटरी कामों के साथ साथ मैंने अडल्ट एजुकेशन सेंटर वाला से पढ़ाई की। मेरी मेहनत और लगन को देखकर स्कूल प्रशासन ने मेरी परीक्षा ली और मुझे सीधा 6ठी कक्षा में दाखिल दे दिया। दिन में पढ़ता और रात में चौकीदारी करता था। अपने जीवन में मैंने सबसे पहले 400 रुपए में एक OBT घर बनाने का ठेका लिया था, जिसके बाद अपने जिले और राज्य में बहुत सी सड़कें, सरकारी मकानों और पुलों का निर्माण किया। कॉलेज पहुंचने तक मेरा व्यापार काफी आगे बढ़ गया। मेरे पास गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर और खुद का एक छोटा सा RCC का मकान भी था। विधायक बनने से पहले मेरे पास 100 कम्वेनियर मिल भी थी, जिसके तहत मुझे हर साल 46 लाख रुपए की आमदनी होती थी। मैं अपने छात्र जीवन में ही करोड़पति बन गया था, जिस पर मैंने कभी घमंड नहीं किया। मैंने अपने रुपए से हमेशा गरीब, लाचार, अनाथ और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की है। आज भी मैं 96 गरीब लड़के लड़कियों को पढ़ाने के साथ उनका सालाना खर्च भी उठाता हूँ। मैं कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहता था, लेकिन मुझे जनता ने ज़बरदस्ती राजनीति में उतारा है। लोग राजनीति में अपने स्वार्थ के लिए आते हैं, लेकिन अगर कोई इसे ईमानदारी अपनाए तो इससे अच्छा सेवा और भलाई का काम हो ही नहीं सकता। वर्ष 2007 में मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था, उस वक्त मैंने मना किया था। वर्ष 2011 में मुझे फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी दी गई, जिसे मैंने फिर से ठुकरा दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे साथी विधायक और मंत्री मुझे सिस्टम से, नीति से, कानून से और संविधान के तहत चलने नहीं देंगे। जब तीसरी बार मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो मैंने उसे स्वीकार किया। मेरी इच्छा, सपना, शक्ति, कोशिश थी कि मेरे पिछड़ा राज्य और गरीब जनता हर क्षेत्र में आगे बढ़े। इन बातों को ध्यान में रखते हुए और इन कामों को मुकाम देने के लिए मैंने अपने तन, मन, दिमागी चिंतन, सोच विचार, कठिन मेहनत और लगन से राज्य को ऊंचाई देने व जनता की भलाई, उन्नति और बेहतर कल के लिए हर घड़ी हर पल काम किया। लेकिन शायद मेरे साथी मंत्री और विधायकों को यह बात मंजूर नहीं थी, क्योंकि उनके लिए मंत्री व विधायक बनने का मतलब कुछ और ही होता होगा। यही कारण है कि मैं राजनीति से दूर रहना चाहता था। मैंने अपने 23 साल की राजनीति में अलग अलग मंत्री पदों पर रहते हुए राज्य के विकास में हर संभव योगदान दिया, जो अपने विधानसभा क्षेत्र और पूरे राज्य में भी किया।
लेकिन इन कामों पर हर किसी की नज़र नहीं गई। मेरे 23 साल के राजनीति जीवन में मैंने बहुत से मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, लेकिन अपने अनुभव से मैंने देखा व समझा कि किसी भी मुख्यमंत्री व मंत्री की योजना स्पष्ट नहीं थी। वह किसी भी योजनाओं को प्राथमिकता सही से नहीं दे पाए। उन्होंने हमेशा राजनीति की नज़रों से ही फैसला किया, हमेशा जनता के हितों को नज़रअंदाज किया। मंत्री, विधायक, बड़े अधिकारी एक दूसरे की मदद के लिए नहीं आए हैं, बल्कि राज्य के पूर्ण विकास व गरीब जनता की सेवा के लिए उन्हें चुना जाता है। मेरे 4.5 महीने के अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने अपना सुख चैन, घर परिवार, नींद आराम को त्याग कर 24 घंटे जनता के हित में काम किया। मैंने सही अर्थ में राज्य धर्म का पालन किया। इतना ही नहीं, मैंने राज्य में विभिन्न विभागों में स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस और कानून में 11,000 से ज्यादा पदों की जगह निकाली थी, जिन्हें बिल्कुल पारदर्शक और निष्पक्ष तरीके से लागू किया जाना था। मैंने प्लान, नॉन प्लान फंड्स को सही और योजनाबद्ध तरीके से पेश किया था। मैंने राज्य में ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन और अपॉइंटमेंट के लिए मंत्रियों को पैसा लेने से भी मना किया था, जिसका शायद उन्हें बुरा लगा। प्लान फंड, नॉन प्लान फंड, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, टेंडर वर्क और बिल पेमेंट में कमीशन लेने के लिए भी मनाई की थी, शायद यह बात भी उन्हें बुरी लगी थी। हमारे नेताओं को परिवार, समुदाय, जाति, धर्म और समाज से ऊपर उठकर काम करना चाहिए, लेकिन ऐसे नेताओं की आज जैसे कमी ही हो गई है। आज राज्य में हर एक नेता अपनी जेब भर रहा है, अपने स्वार्थ पूरे कर रहा है। जनहित से ज्यादा वह अपने अपने परिवार और रिश्तेदारों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। मैंने यह महसूस ही नहीं किया बल्कि देखा भी है। इस बात से मैं बहुत ही आहत और दुखी भी हूँ। इस राज्य के पिछड़ने का कारण भी यही है। ऐसी स्थिति में राज्य, समाज और जनता का क्या होगा? यहाँ हर एक विधायक मंत्री बनना चाहता है, वह भी वर्क डिपार्टमेंट में, जहाँ उन्हें ज्यादा और मोटी कमाई हो। सभी को ज्यादा से ज्यादा नगद पैसा चाहिए। नेताओं और विधायकों ने इसे अपना धंधा ही बना लिया है। यही सब कारण है कि राज्य में सरकार बार बार बदलती है, जिसका नुकसान आम जनता और राज्य को उठाना पड़ता है। इस बात से मैं बहुत ही आहत और दुखी हूँ। मैं लोगों में जागरूकता, विचार विमर्श और एहसास दिलाना चाहता हूँ कि हर कोई इन बातों को समझे और इन पर विचार कर अपनी सोच समझ, कर्म, कार्य, हाव भाव और नीतियों को बदले। जनता को भ्रष्टाचार पहचानना चाहिए और सवाल करना चाहिए कि विधायक या मंत्री बनने से पैसा कमाने का सर्टिफिकेट मिल जाता है क्या? मैं मानता हूँ कि जनता जनार्दन है और उन्हें सच को पहचानना चाहिए। दोरजी खांडू सेना के एक आम सिपाही थे। विधायक बनने के बाद भी उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब वह रिलीफ मंत्री बने तब उन्होंने सरकारी पैसे को भारी 50% में बेचकर अपनी जेब भरना शुरू कर दिया। जब वह पावर मंत्री बने तब उन्होंने पूरे अरुणाचल में हाइड्रो प्रोजेक्ट योजना में नदी नालों को बेचकर पैसे का गबन किया। उन्होंने 30 लाख पर मेगावाट के हिसाब से कंपनी को प्रोजेक्ट बेचकर मोटी कमाई की थी। उसके बाद उन्होंने गेंगो अपांग की सरकार को गिरा दिया और खुद मुख्यमंत्री बन गए। आज उनके तवांग, ईटानगर, गुवाहाटी, दिल्ली, कोलकाता और बेंगलोर में बड़े बड़े अलीशान मकान और बंगले हैं। आज लोग कहते हैं कि दोरजी खांडू ने घोटाले कर 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा धन कमाया, संपत्ति बनाई, लेकिन आज वो तो इस दुनिया में नहीं है, तो यह धन दौलत किस काम की? इससे जिंदगी तो नहीं खरीद सकते। पर लोग कह रहे हैं और पूछ भी रहे हैं कि पेमा खांडू के पास आज के दिन में 1700 करोड़ नगद पैसा है और यह पैसा कहाँ से आया? यह जनता का पैसा है और मंत्री बने यह लोग इसी पैसे का रोब दिखाकर जनता को डराते धमकाते हैं और लोग उसके पीछे भागते हैं। आज जनता को इसका जवाब मांगना चाहिए और इस मामले की पूरी छानबीन होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस का पूरा खर्चा नबाम तुकी और पेमा खांडू ने मिलकर उठाया, जिसका फैसला मेरे खिलाफ दिया गया। यह रकम करीब 90 करोड़ रुपए की थी। इस केस में मेरे हित में फैसला देने के लिए मुझे भी फोन किया गया और मुझसे भी 86 करोड़ रुपए की मांग की, लेकिन मुझे और मेरे जमीर को यह मंजूर नहीं था। मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने कमाया नहीं और ना ही राज्य को कुएं में गिराने की इच्छा थी। मैंने अपनी सत्ता को बचाने के लिए सरकार और जनता के पैसे का क्यों दुरुपयोग करूं? इसका नतीजा आप सबके सामने है। तवांग में आज से ही नहीं बल्कि सालों से विकास के नाम पर बहुत सा पैसा जा रहा है। 2005 में रिलीफ फंड के नाम पर बहुत सा पैसा जा रहा था, जिसका जनता RTI से जानकारी ले सकती है। वही प्रोजेक्ट का दौरा करने पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। टूरिज्म के नाम पर बहुत पैसा जा रहा है, अर्बन डेवलपमेंट के नाम पर बहुत पैसा जा रहा है। किप्पी हाइड्रो प्रोजेक्ट के नाम से वर्ष 2010 और 11 में बिना सैंक्शन और बिना काम के 27 करोड़ रुपए LOC किया गया, बिना बिल के पैसों को उठाया गया, उन पैसों का गबन किया गया। इसी प्रकार खंतांग और मुक्तो हाइड्रो प्रोजेक्ट के नाम से भी 70 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसों का झूठा बिल बनाकर गबन किया गया। गेंगो अपांग जब मुख्यमंत्री थे तब राज्य में PDS का साल भर का काम 61 लाख रुपए में ही हो जाता था। गेंगो
पांग इसे सुधारना चाहते थे पर सभी ने मिलकर उन्हें फंसाया था। जब नई सरकार बनी तब नबाम तुकी फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे। तुकी ने यही राज्य में हेड लोड के नाम की शुरुआत की थी। एक साल में ही पीडीएस का काम 68 करोड़ रुपए तक बढ़ गया। वहीं अगले ही साल यह काम 164 करोड़ रुपए तक बढ़ गया। इस पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार पर शक हो गया था और उन्होंने एफसीआई को इंक्वायरी और ऑडिट करने का आदेश दिया, जिसमें इंक्वायरी के दौरान राज्य सरकार को दोषी पाया गया। इस पर केंद्र सरकार ने पेमेंट की रोक कर दी। पीडीएस में घोटाला मिलने पर गेंगाओ पांग ने हेडलोड के काम को बंद करवा दिया, जिससे यह पेमेंट यहीं रुक गया था। जब 2007 में दोरजी खांडू मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ पीडीएस कॉन्ट्रैक्टर्स को केस करने का सुझाव दिया और उनकी मदद भी की, जबकि इस केस में राज्य सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार जानबूझकर हारती गई। दोरजी खांडू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कोर्ट में जानबूझकर सही रिकॉर्ड और जानकारी नहीं दी थी और बहुत सी फाइल्स और रिकॉर्ड को मिटा दिया गया। जहां 50% शेयर लेकर दोरजी खांडू ही प्राइवेट पार्टीज को राज्य सरकार के खिलाफ कोर्ट डिक्री लेने में मदद की थी और पहला पीडीएस पेमेंट इन्हीं के समय में हुआ था। जब 30 नवंबर 2011 में मैं फाइनेंस मिनिस्टर था तब कोर्ट डिक्री होने पर भी मैंने और सितोंग सेना ने पेमेंट नहीं दिया था। केवल पीडीएस पेमेंट देने के लिए ही मुझे नमाम तुकी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से हटाया था। मेरे फाइनेंस मिनिस्ट्री से हटते ही चौना मीन फाइनेंस मिनिस्टर बने और 4 दिन के अंदर ही 4 दिसंबर 2011 को नबाम तुकी और चौना मीन ने पीडीएस कॉन्ट्रैक्टर्स से पैसे में 50% की हिस्सेदारी लेकर हेडलोड पीडीएस का पेमेंट कर दिया था। अपने 23 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने पीडीएस बिल की फोटोकॉपी पर पेमेंट होते पहली बार देखा था, जबकि ऐसा किसी और राज्य में नहीं होता। 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसों में पीडीएस का पेमेंट हुआ। इन पैसों का राज्य में के डेवलपमेंट फंड से दिया गया था, जबकि यह जीओआई के स्कीम थी और जीओआई ने इसमें घोटाला देखकर एक भी पैसा राज्य सरकार को नहीं दिया। इस पीडीएस घोटाले में मुख्य दोषी दोरजी खांडू, पेमा खांडू, नुमाम तुकी और चौना मेन है। जब मैं मुख्यमंत्री बना मैंने इस केस की जांच की और राज्य सरकार को बचाने की कोशिश की थी। हमारी सरकार ने एफसीआई के खिलाफ केस किया, जीओआई के खिलाफ केस किया और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी दायर किया। मुझे इस बात का बहुत ही दुख है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों ने मिलकर सभी फाइल, डॉक्यूमेंट और जरूरी कागजों को गायब कर दिया व मिटा दिया, जिसकी वजह से मैं सरकार को इस केस में बचा नहीं सका। इस केस में चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, डायरेक्टर और ऑफिसर्स को जेल तक होने वाली थी। आज भी इस पीडीएस केस में जेन्युइन कॉन्ट्रैक्टर और लैंड रूट का पैसा नहीं मिला, जबकि उन्होंने सही टेंडर भरा और सही काम भी किया, फेयर प्राइस शॉप तक चावल भी पहुंचाया था। एसजीएसवाई चावल के घोटाले में भी दोरजी खांडू और पेमा खांडू खुद घोटाले में फंसे हुए हैं। आज इसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जो चावल गया ही नहीं उसके लिए झूठा ट्रांसपोर्टेशन बिल बनाया, केंद्र से कितना चावल आया, किसके लिए आया, कब आया और किसको चावल मिला और इस चावल घोटाले में कितने पैसों की कमाई हुई। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन सवालों के जवाब पेमा खांडू के पास नहीं है, सिर्फ एक ही जवाब है, उनके पास आज ढेर सारे नगद पैसे हैं। वहीं नेताओं और विधायकों को इन बात का पता होते हुए भी आज तक कुछ नहीं किया गया। अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के समय भी मैंने हर जिले को SIDF RE नॉन प्लान में बराबर फंड दिया था, जिसके बाद भी पेमा खांडू और उसके दोनों भाइयों ने एक प्रोजेक्ट में मुझसे तत्काल 6 करोड़ रुपए हाइड्रो प्रोजेक्ट मेंटेनेंस के लिए मांगे थे, जिसे मैंने पूरा दिया। इन पैसों को कभी काम में लिया ही नहीं गया कि उन्होंने 10 करोड़ की और मांग की थी। उस समय राज्य के फ्लड रिलीफ के लिए कुल 14 करोड़ रुपए ही थे, फिर भी मैंने सबसे ज्यादा 6 करोड़ रुपए तवांग में दिए थे। अरुणाचल जैसे छोटे राज्य में हमारे पास NDRF के लिए केवल 51 करोड़ रुपए ही थे, जिसमें से हम 20 जिलों और 60 विधायकों को जरूरत होने पर देना था और उस समय बहुत से जिले बाढ़ से पीड़ित थे। मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे हर जिले और 60 विधायकों को बराबर देखना था। इस पर फिर से पेमा खांडू और उसके दोनों भाइयों ने मुझसे 100 करोड़ रुपए की मांग की थी। मैंने उन्हें राज्य की स्थिति के बारे में बताया और समझाया, लेकिन इस बात से वह मुझसे नाराज हो गए और उन्होंने मेरे खिलाफ चाल चल दी थी। एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि 2 मई को तवांग में हुई गोलीबारी की घटना के पीछे भी पेमा खांडू का ही हाथ है। जेल डाले और गिरफ्तार हुए लामा आदमी को पेमा खांडू ने बेल नहीं दी थी। DC और SP तवांग में हुई फोन वार्ता में पेमा खांडू का जिक्र है। तवांग में हुई गोलीबारी की घटना में पेमा खांडू ने DC, ADC और मैजिस्ट्रेट को बेल न देने का दबाव दिया। मुझे और चीफ सेक्रेटरी को इस घटना पर अधिकारियों पर कार्यवाही न करने का भी दबाव डाला गया। उसके बावजूद अधिकारियों पर कार्यवाही की, शायद इस बात का उन्हें बुरा लगा।
लगा हो। इस घटना में कितने लोगों की जान गई, कितने लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका आज भी शिलांग और गुवाहाटी में इलाज चल रहा है। जबकि मैं खुद मृतकों के परिवार से मिला, गंभीर रूप से घायल हुए तवांग, शिलांग और गुवाहाटी में मिलकर हर संभव मदद की। जबकि पेमा खांडू पर इस घटना का कोई दुख और चिंता नहीं थी। लोगों को सोचकर फैसला करना चाहिए कौन सही है और कौन गलत है। नवाम तुकी, विधायक बनने से पहले उनके पास कुछ भी नहीं था, आज आधे ईटानगर नहार लगन में जमीनें और संपत्ति खरीद ली। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने तुकी के खिलाफ दी गई सुनवाई में तुकी को दोषी ठहराते हुए सीबीआई की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस एचएल दत्तू को 28 करोड़ रुपए की घूस देकर स्टे ऑर्डर लिया और आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। अरुणाचल राज्य में हुए पीडीएस कैंप पर सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कबीर अल्तमस के नेतृत्व में फैसला कॉन्ट्रैक्टरों के हित में दिया था, जबकि केंद्र सरकार और एफसीआई ने भी इस फैसले को गलत ठहराया था। फूड एंड सिविल सप्लाई के डायरेक्टर एनएन ओसिक के बैंक खाते से तुकी के खाते में 30 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। इस बात को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने भी माना, जिसका रिकॉर्ड हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। इस केस में भी घूस देकर कोर्ट को फैसला खरीदा गया। फूड एंड सिविल सप्लाई के मंत्री रहते समय नवाम तुकी ने पीडीएस घोटाले की शुरुआत की थी। सड़क रास्ता होने पर भी हेडलोड का झूठा आविष्कार किया, 20 किलोमीटर को 46 किलोमीटर का रास्ता बताया और 40 किलोमीटर को 90 किलोमीटर का रास्ता बताकर पैसे का गबन किया था। जहां जनसंख्या ही नहीं, वह चावल का कोटा बढ़ाया, चावल पर लोन दिखाकर कोटा बढ़ाया गया और भारी मात्रा में पैसे का गबन किया गया। कुरुंग कुमे सुबन सिरी के चावल के कोटे को एफसीआई बेस्ड रिपोर्ट से निकालकर लखीमपुर में बेचा गया। तवांग ईस्ट कमेंग एंड वेस्ट कमेंग के चावल के कोटे को तेजपुर असम में बेचा गया था। ईस्ट वेस्ट अपर सियांग के चावल के कोटे को धेमाजी में बेचा गया। पुराने कामों और फोटो दिखाकर तुकी ने 70% तक रिलीफ फंड का घोटाला किया था। राज्य में नॉन प्लान फंड को आवंटित कर 60% पैसे वापस लेकर दुरुपयोग किया गया, जिसकी वजह से राज्य में केंद्र की बहुत सी योजनाएं आज भी बंद पड़ी है, जिसके कारण राज्य में वर्ष 2013, 2014 और 2015 तक लगातार ओवरड्राफ्ट की समस्या होती रही, जिनके चलते सरकारी अधिकारियों की तनख्वाह, सैलरी, वेजेस, टीए, डीए, एमआर बिल्स, जीपीएफ, एनपीएस, स्टूडेंट्स स्टाइपेंड एंड कॉन्ट्रैक्टर्स पेमेंट समय पर नहीं मिल पाती थी। इस सब पर भी सरकारी अधिकारी, छात्र, कॉन्ट्रैक्टर और जनता इन्हें सहती गई, कभी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी, ना ही इसका विरोध करने की हिम्मत दिखाई, जिससे भ्रष्ट लोगों के हौसले बुलंद होते गए और वह राज्य में ज्यादा भ्रष्टाचार करते गए। टीएफसी के सारे पैसों का दुरुपयोग हुआ है, एसपीएफ के पैसों का दुरुपयोग हुआ है, जिसका नाम आज भी बंद पड़ा है, एससीए फंड का भी दुरुपयोग हुआ है। राज्य के पास फंड नहीं है, फिर भी भोली वाली जनता गुमराह करने के लिए कहा गया कि सिविल डिपॉजिट में फंड है। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले छानबीन कर पता लगाया, लेकिन वहां कोई पैसा नहीं था। दोरजी खांडू जहां रिलीफ फंड और नॉन प्लान फंड में 60% दलाली घूस लेते, वहीं तुकी ने इसमें 10% इजाफा किया और 70% दलाली लेकर राज्य के फंड को लूटा। नवाम तुकी ने अपनी पत्नी नवाम नयामी के नाम पर राज्य की सभी शहरों जीरो, पासीघाट, तेजू, ईटानगर, हवाई और सभी जिलों में सरकारी ठेकेदारों के काम किए। वहीं उनके भाई और परिवार जन नवाम तगाम, नवाम अक्का, नवाम हरी और नवाम मैरी ने भी बहुत सी सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में अलग अलग काम कर राज्य के खजाने को लूटा था। राज्य में इन सभी घाटे और घोटालों की जिम्मेदारी तुकी की है, जिन्होंने राज्य को कुएं में धकेल दिया और भोली वाली जनता को बेवकूफ बनाया है। लेकिन अगर इनसे सच पूछा गया तो यह आपसे नजर मिलाकर बात भी नहीं कर सकेंगे। नवाम तुकी की इन्हीं हरकतों से तंग आकर मैंने और राज्य के ज्यादातर विधायकों ने एक सुर में उनका विरोध किया। स्पीकर इम्पीचमेंट का मामला होने पर भी नवाम रिबिया अपने पद पर बने रहे, जबकि 14 दिनों के अंदर ही इस पर कार्यवाही होनी चाहिए थी। वहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने पर भी नवाम तुकी सीएम पद पर बने रहे, जबकि राज्यपाल ने उन्हें बहुमत सिद्ध करने को कहा था। 13 जनवरी 2016 को गुवाहाटी हाईकोर्ट से दिए गए फैसले के बाद भी अपनी सरकार चलाते रहे और राज्य को लूटते रहे। इन्होंने हमेशा कानून, न्याय और जनता का मजाक उड़ाया है। मैंने अपने 23 सालों के राजनीतिक जीवन में 5 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया, लेकिन नवाम तुकी जैसा भ्रष्ट और खराब तंत्र कहीं नहीं देखा। इन्होंने हमेशा जाति, धर्म, समाज, मजहब, भाषा और क्षेत्र के नाम पर राजनीति की है। इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जनता को अपना हक मिलना चाहिए। चौना मैन, राज्य के बड़े मंत्रियों में से यह सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। मैं इनका असली चेहरा जनता के सामने रखता हूँ। आरडी मंत्रालय में कभी कोई लेन देन नहीं किया गया, पर इन्होंने एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर पर 10 लाख रुपए लेकर इसकी शुरुआत की थी। एपीओ पर 5 लाख रुपए का घूस लेते थे, बीडीओ पर 3 लाख रुपए का घूस लेते थे, आरडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई योजनाओं पर भी ठेकेदारी से परसेंटेज तय कर घूस लेते थे, ट्रांसफर और प्रमोशन के लिए भी घूस लेते थे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर
15 लाख रुपए, असिस्टेंट इंजीनियर 5 लाख रुपए, जूनियर इंजीनियर 3 लाख रुपए। शिक्षा मंत्री बनने पर चौना ने 3 से 4 लाख रुपए लेकर लोगों को बिना इंटरव्यू के टीचर पद की नौकरी दी थी। PHE और PWD में भी ट्रांसफर और पोस्टिंग पर 10-15 लाख रुपए का पर बहुत सा पैसा कमाया था। LOC में चौना मीन ने पैसे की मांग की थी, जिसके कारण बहुत से अधिकारियों ने डिवीजन में जाने से मनाई कर दी थी और नाराज भी हो गए थे। PHE मंत्री रहते समय जरबाम गमलीन सरकार में रिलीफ फंड के तहत 46 करोड़ रुपए की दलाली कर 15 ही दिनों में अल्फा और अंडरग्राउंड ताकतों की मदद से गमलीन सरकार को गिरा दिया था। PHE मंत्री रहते समय केंद्र सरकार ने वाटर सप्लाई के लिए 67 करोड़ रुपए आए थे, जिसे बिना काम किए पैसे का दुरुपयोग किया गया, जिसका रिकॉर्ड RTI से लिया गया और यह आज भी RTI कार्यकर्ता के पास मौजूद है। फिर तुकी सरकार में वित्त मंत्री बनने पर इन्होंने राज्य को फाइनेंशियल क्राइसिस की सौगात दे दी। डेवलपमेंट प्लान फंड को नॉन प्लान में डालकर फंड का दुरुपयोग किया गया। इन्होंने राज्य में हमेशा से ही ऐसे विभागों को चुना जिनमें ज्यादा ट्रांजैक्शन होता हो। ज्यादातर यह प्लानिंग, फाइनेंस और PWD में रहने की मांग करते ताकि इनकी ज्यादा से ज्यादा कमाई हो सके। क्या ऐसे नेताओं के हाथ में राज्य सुरक्षित है? आज दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर और गुवाहाटी के में अलीशान बंगले और कमर्शियल स्टेट और संपत्ति बनाई। जनता जवाब मांगे कि राज्य और जनता को क्यों गुमराह किया गया, जनता की जिंदगियों से क्यों खेला गया। कारीखोकरी यह महाशय कभी तेजू से विधायक थे। विधायक बनने से पहले इनके पास अपना घर भी नहीं था। अपने बड़े भाई जो कि PHE में इंजीनियर हैं, यह उनके साथ ही रहते थे। अपने पहले विधानसभा चुनाव में एक पुराने स्कूटर से कैंपेन शुरू किया था और विधायक बनने के 3-4 साल में ही हर कहीं जमीन और संपत्ति खरीद कर आधे तेजू के मालिक हो गए। आज ईटानगर, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर में आलीशान बंगले और संपत्ति है। आज उनसे कोई नहीं पूछता कि यह पैसा कहाँ से आया। जब इस बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया तब मुझसे कई विधायकों ने 15 करोड़ रुपए नकद मांगे। उनका कहना था कि अगर अपनी सरकार बचाना है तो हमें इतने पैसे दे, लेकिन मैं यहाँ पैसा बनाने या पैसा बांटने के लिए नहीं आया, बल्कि जनता के सरकारी खजाने को बचाने व रक्षा और उनके हित के विकास करने के लिए आया। जब भी कभी राज्य में पॉलिटिकल क्राइसिस होता है तो यह विधायक दोनों तरफ से 10-15 करोड़ रुपए लूटते हैं। राज्य में ऐसा कब तक चलता रहेगा? आज विधायक भ्रष्ट हैं, इन्हें विधानसभा में जाने का कोई हक नहीं है। खासकर मुझे दुख है, मेरे अच्छे दोस्त पीड़ी सोना का काम पूरा नहीं कर पाया। उनकी मांग थी 10 करोड़ रुपए नगद पर, मैं 4 करोड़ ही दे पाया, जिसे मैंने 10 जुलाई 2016 के दिन दिए थे। मैंने अपने 4.5 महीनों के मुख्यमंत्री कार्यकाल में जो करके दिखाया वह एक उदाहरण है कि हम कैसे एक राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं और उसे विकास दे सकते हैं। लेकिन मेरे विधायक साथियों ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया और यह किसी को भी करने नहीं देंगे। यह लोग कभी नहीं बदल सकते और ना ही कभी सुधर सकते हैं। इन लोगों को समझाना, सबक सिखाने और एहसान दिलाने की बेहद जरूरत है। अब इन लोगों को जनता की शक्ति दिखाने का वक्त आ गया है ताकि यह फिर कभी जनता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। इसलिए मैं जनता से अनुरोध करता हूं कि वह इस संदेश और बलिदान को गंभीरता से लें, अपने नेताओं से हिसाब किताब मांगे, उनका कड़ा विरोध करें। गांव, कस्बों, शहर और जिलों में इन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ भारी मात्रा में जन आंदोलन हो, राज्य में विकास हो और सभी जनता को बराबर अपना हक मिल सके और राज्य में अमन, सुख और शांति बहार हो सके, ताकि राज्य में सही समय पर फिर से चुनाव हो सके, जिससे राज्य की गरीब जनता का हित और विकास हो सके। कांग्रेस, एक छात्र रहते हुए मैं कांग्रेस से जुड़ा था और आज कांग्रेस में रहते हुए मुझे 33 साल हो गए हैं। कांग्रेस से जुड़ने के पीछे एक कारण था। 7 मार्च 1986 में राजीव गांधी तेजू आए थे। उनका स्वागत करने के लिए मैं भी हाथ में तिरंगा झंडा लिए खड़ा था। मैंने तिरंगा झंडा राजीव जी को भेंट किया और उन्होंने मुझे कहा था कि अच्छे से पढ़ो और अच्छे आदमी बनो। उस दिन उनके भाषण में 3 बातें बताई थी। अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है, दिल्ली दूर है पर मेरे दिल से दूर नहीं हो। हम केंद्र से 100 रुपए भेजते हैं लेकिन यहाँ सिर्फ 25 रुपए पहुँचते हैं और हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। इन सब बातों का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा और मैं कांग्रेस से जुड़ गया। आज मैं 1995 से लगातार हालियंग से चुना गया हूँ और राज्य में सबसे ज्यादा वोटों से जीतता आ रहा हूँ। लेकिन आज दुख होता है कि इतने बड़े कांग्रेस परिवार को जनता की सेवा करने वाला नहीं बल्कि भ्रष्ट और बदमाश लोग चाहिए। आज नेता सेवक नहीं दलाल बन गए हैं।
वर्ष 2008 में दोरजी खांडू के कहने पर वह मजबूरीवश में खुद 4 बार मोतीलाल बोरा को रुपए पहुंचाने गया था, जिनका कुल 37 करोड़ रुपए होता है। वर्ष 2009 में राज्य को एडवांस 200 करोड़ रुपए का लोन देने पर दोरजी खांडू के कहने पर मैंने श्री प्रणब मुखर्जी तब वित्त मंत्री को 6 करोड़ रुपए इस पते पर दिए। वात्याल 802/7 कवि भारती सरानी कोलकाता। वर्ष 2015-16 के बीच में 13 महीने के लिए दिल्ली में था, जिसमें मैं कांग्रेस के निम्न नेताओं से मिला। नारायण स्वामी से 3 बार मिला, कमलनाथ से 4 बार मिला, सलमान खुर्शीद से 5 बार मिला, गुलाम नबी आजाद से भी 5 बार मिला था, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुझसे नहीं मिले थे। एक और सलमान खुर्शीद और गुलाम नबी आजाद ने मेरी बात सही से सुनी, वह मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन नारायण स्वामी ने 110 करोड़ रुपए पार्टी फंड और खुद के लिए मांगे थे, जिसे उन्होंने पर्सनल स्टाफ BS यादव के थ्रू से मांगे थे। सागर रत्ना साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में कई बार मुझे बुलाया और अपनी मांग बताई। कपिल सिब्बल ने 9 करोड़ रुपए मांगे। जब कमलनाथ से मिला तब उन्होंने भी 130 करोड़ रुपए के लिए मुझसे कहा था, जिसे उन्होंने अनुपम गर्ग, मिस्टर मिगलानी और नवीन गुप्ता से कलवा कर मांगे थे। इन सभी बातों का मुझ पर गहरा असर हुआ। मैं बहुत दिनों तक गहरी सोच और चिंता में डूबा रहा। पार्टी ने मेरे खिलाफ बहुत शहर उगला था, फिर भी मैं 3 बार कोर्ट केस जीत कर आज भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ। सच पूछो तो मैंने कांग्रेस का असली चेहरा देखा है और अब मेरी कांग्रेस में और राजनीति में रहने की इच्छा ही नहीं है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपना राजधर्म नहीं निभाया और ना ही निभा रहे हैं। मैं खुद को बहुत ही अभागा समझता हूं कि मैं इतने सालों तक अंधेरे में चलता रहा, ऐसी पार्टी से जुड़ा रहा जिसने मुझे खून, मशक्कत, पसीने और आंसू के अलावा कुछ नहीं दिया। मुझे कहने में शर्म महसूस होती है, लेकिन कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसका पूरा ढांचा ही भ्रष्ट है। कानून न्यायालय का काम है आम जनता, गरीब और असहायक लोगों को उसका हक दिलाना, उसकी मदद करना और उसका बचाव करना, जबकि मैंने इसके बिल्कुल उल्टा होते हुए देखा है। न्याय के दलालों को देखा और न्याय को बिकते हुए देखा। आज कानून खुद न्याय का दलाल बन बैठा है। अरुणाचल राज्य में हुए PDS घोटाले केस को राज्य सरकार ने गलत बताया, FCI ने गलत बताया और केंद्र सरकार ने भी गलत बताया, फिर भी सुप्रीम कोर्ट के आरोपियों को खुला छोड़कर उनका पूरा पेमेंट करने की आदेश दिया। चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर ने 36 करोड़ रुपए की घूस लेकर गलत फैसला दिया था, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जरिए समझौता किया था, जबकि वह फैसला गलत था। वर्तमान अदालत मामले 16-17 को हुई विधानसभा में नबाम तुकी सरकार को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाया गया। इस पर नबाम तुकी कोर्ट से स्टे लेकर आ गए और उनकी सरकार चलती रही। इसके साथ स्पीकर नबाम रिबिया भी अपने पद पर बने रहे। 13 जनवरी को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस स्टे को खारिज कर दिया और पिटीशन भी खारिज हो गई। इस पर नबाम तुकी ने सुप्रीम कोर्ट को दरवाजा खटखटाया। इसके बाद ही उनकी सरकार चलती रही। गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले पर भी हमने सरकार नहीं बनाई। इसके बाद राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी, हर कोने में घटनाएं बढ़ने लगी, यहाँ तक कि गवर्नर से भी बदसलूकी की जाने लगी। फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया और राज्य की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। अगर 16-17 दिसंबर को हुई विधानसभा को मान्य नहीं माना गया, जिससे पिछले 6 महीने से विधानसभा का सत्र नहीं हुआ, जिसके चलते राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी पैदा हो गया और राज्य में बढ़ती वारदातों और घटनाओं को देखकर 26 जनवरी को राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, जिसके कारण नबाम तुकी सरकार हटी। 9 फरवरी को राज्य में प्रेसिडेंट रूल हटाया गया। राज्य में प्रेसिडेंट रूल हटने के बाद हमने 33 विधायक के साथ नई सरकार बनाने की पेशकश की। इस पर राज्यपाल जी ने हमें सरकार बनाने का न्योता दिया और 10 दिनों में बहुमत सिद्ध करने को कहा गया। 7 दिनों में ही यानी 25 फरवरी को सदन में हमने अपना बहुमत सिद्ध किया। हमारी सरकार कहीं भी गलत कारणों से नहीं बनी थी। हमने हमेशा संविधान, कानून, न्याय और नीति को मानते हुए काम किया और सरकार बनाई। सुप्रीम कोर्ट के 5 जज की संविधान बेंच में यह बातें कही। पहली, राज्यपाल के प्रिपोनिंग को खारिज किया। दूसरी, राज्यपाल के मैसेज को खारिज किया। तीसरी, पहले और दूसरे को ध्यान में रखते हुए 16-17 हुए सत्र को खारिज किया। चौथा, पहले, दूसरे और तीसरे को ध्यान में रखते हुए विधानसभा के फैसले को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कही और कैसे भी मेरी सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा गया और कुछ गलत आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में लागू प्रेसिडेंट रूल के बारे में भी कुछ नहीं कहा। 25 फरवरी को विधानसभा में हुए फ्लोर टेस्ट को, जो कि 6th लेजिस्लेटिव असेंबली का 7th सेशन था, जिसके बारे में भी कुछ नहीं कहा। इसके बाद विधानसभा में बजट सत्र हुआ, बजट पारित हुआ, जो 6th लेजिस्लेटिव असेंबली का 8th सेशन था, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। इस केस में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत था। हमारे संविधान में दिए गए यह कानून बहुत ही आम है और बच्चे बच्चे इन कानून से वाकिफ हैं। आर्टिकल 174, द गवर्नर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन द हाउस और ईच हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। राज्यपाल को यह पावर है कि वह विधानसभा को नियमित अंतराल से चलाए।
राज्यपाल विधानसभा में कोई बाधा होने पर अपने हिसाब से समय और जगह तय कर सत्र बुला सकते हैं। आर्टिकल 175 द गवर्नर में सेंड मैसेजेस टू हाउस और हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट वेदर विद रिस्पेक्ट टू ए बिल देन पेंडिंग इन द लेजिस्लेचर और अदरवाइज एनी हाउस टू विच एनी मैसेज इज सो सेंट शैल विद ऑल कन्वीनियंट डिस्पैच कंसिडर एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय द मैसेज टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन। राज्यपाल विधानसभा के दोनों हाउस को अपना मैसेज भेज सकते हैं। सत्र में भेज गए मैसेज को हर हाल में अमल में लाना होगा। आर्टिकल 163 मुख्यमंत्री या उनके मंत्री परिषद राज्यपाल से सलाह ले सकते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई विवाद खड़ा होता है तो राज्यपाल का फैसला ही अटल व मान्य होगा। इसके लिए राज्यपाल के फैसले को भी किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। हमारे देश के संविधान में बताए गए यह कानून किसी राज्य में सरकार गिरने या माइनॉरिटी में होने और राज्य में किसी तरह के क्राइसिस आने पर राज्यपाल को यह अधिकार रहता है कि वह राज्य में विधानसभा के सत्र को बुलाकर मुख्यमंत्री को बहुमत सिद्ध करने का आदेश दे सकते हैं। इस केस में सिर्फ नबाम तुकी को ही हटाने की बात नहीं थी बल्कि स्पीकर नबाम रिबिया को भी हटाने का प्रस्ताव था। यह जानकर नबाम रिबिया ने एक महीने की जगह 2 महीने से भी ज्यादा समय लेकर विधानसभा सत्र बुलाया, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऐसा कर वह विधायकों को खरीद फिरोख कर अपने भाई नबाम तुकी की मदद कर रहा था, जबकि स्पीकर को हटाने के नोटिस और प्रस्ताव आने के सिर्फ 14 दिन बाद ही कार्यवाही की जानी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल ने विधानसभा सत्र को प्रीपोनिंग किया। राज्यपाल ने हमेशा कानून के दायरे में रहकर ही काम किया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला मिलने पर मेरे न्यायालय से विश्वास ही उठ गया। उन्होंने फैसला मेरे हक में देने के लिए मुझसे और मेरे करीबियों से कई बार संपर्क किया। उन्होंने मुझसे 86 करोड़ रुपए की घूस मांगी, जबकि मैं एक आम और गरीब आदमी हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है जिससे मैं सुप्रीम कोर्ट के जज और उसके फैसले को खरीद सकता और ना ही खरीदना चाहता हूँ। वीरेंद्र कहर, जस्टिस कहर के छोटे बेटे ने मेरे आदमियों से संपर्क कर मुझसे 49 करोड़ रुपए मांगे। वहीं आदित्य मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा के भाई ने मुझसे 37 करोड़ रुपए की मांग की थी। कपिल सिब्बल, सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपनी एक लोबी है, हर वकील हर जज इन्हीं के इशारे पर घूस लेकर झूठे फैसले करते हैं और नाचते हैं। कपिल सिब्बल ने चार्टर प्लेन में गुवाहाटी आकर आधे घंटे में ही हाई कोर्ट से कीप इन अबियंस ऑर्डर लिया था, जबकि पहले कोर्ट ने इस केस को टर्न डाउन कर दिया था। इस पर मैं प्रशांत तिवारी के साथ कपिल सिब्बल से 4 बार मिला। मैंने सिब्बल को नबाम तुकी की सारी हकीकत बताई। जब मैं कपिल सिब्बल से उनके घर पर इस पते 1 जोरबाग मेट्रो स्टेशन के पास और बिंदो मार्ग दिल्ली में मिला, तब मुझसे 9 करोड़ रुपए की मांग की थी और उन्होंने एडवांस 4 करोड़ रुपए की मांग की थी। गुवाहाटी हाईकोर्ट में जहां कांग्रेस का वकीलों और जजों पर दबाव नहीं था, वहां हमने केस जीता था। बाद में हमें यह पता चला कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा संसद सीट में जाने का लालच देकर नबाम तुकी के केस दोबारा लड़ने को कहा। कपिल सिब्बल ने ही सुप्रीम कोर्ट में जजों को पैसा देकर सारा खेल रचा और नबाम तुकी की झूठी जीत दिलाई थी और आज यह राज्यसभा के सांसद बन गए हैं। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में देखा कि न्यायालय में कांग्रेस के ही वकील और जज हैं जो आपस में मिले हुए हैं। मुझसे जुलाई 12 तारीख की रात 9 बजे तक संपर्क किया गया कि अगर मैं एडवांस 9 करोड़ रुपए दूं तो फैसला 1 महीने के लिए टाला जा सकता है और मेरे पक्ष में फैसला देने पर बाकी 77 करोड़ रुपए देने की बात की गई, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी और ना ही पैसा देने के लिए राजी हुआ। न्याय को डगमगाता देखकर ही मैंने फैसले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। आज 25 जुलाई तक जस्टिस कहर की तरफ से राम अवतार शर्मा मुझसे संपर्क कर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने की बात कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मुझसे 31 करोड़ रुपए मांगे थे। देश और जनता कानून के इन दलालों, सौदागरों और भ्रष्ट गद्दारों को पहचानने और उनके अंतरात्मा से न्याय के तराजू मर सच झूठ सही गलत का फैसला करे। सरकार को जज के फैसले पर भी निगरानी करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए कानून बनाना चाहिए, ताकि इस कानून की मदद से न्यायालय में हो रहे भ्रष्टाचार को रोका जा सके, जिससे देश और जनता के हित में न्याय हो सके। जज का काम संविधान को सही गलत बताना है, ना कि झूठ बताकर पेश करना और ना ही झूठा फैसला करना। इस सच का सामना कर मेरी रूह अंदर तक कांप गई है। मेरा न्याय से भरोसा उठ गया है। इस देश के बारे में चिंता होती है कि यहाँ की भोली भाली जनता का क्या होगा। दोस्तों, मैंने जो भी बात यहाँ बताई है वह 100% सही है। मैंने यह बातें अपने अंतरात्मा से कही हैं। मैंने इन्हें कहीं भी बढ़ा चढ़ाकर मिर्च मसाला मिलाकर पेश नहीं किया है और ना ही तथ्यों से कोई छेड़छाड़ की है। जहाँ कहीं भी घटना होती है वह एक बार ही होती है। जैसे जैसे कंप्लेंट, इंक्वायरी, कोर्ट केस, हियरिंग होती है, वैसे स्थिति और हालत
नहीं बदलते। जब कानून की किताब नहीं बदलती तो जजों के फैसले कैसे बदल जाते हैं? केस में हार जीत का फैसला बराबर क्यों बदलता है? किसी भी केस में बदलता हुआ फैसला हमें यह बताता है कि कानून के जज बिक गए हैं, लेकिन इन फैसलों से सच नहीं बदलता है। सच तो अटल और अजर अमर है, जिसे भगवान भी नगार नहीं सकते हैं। मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में बचपन से ही गाँव का प्यार और विश्वास जीता है। छात्र समय से सभी चुनाव जीते हैं और आज अपने राजनीतिक जीवन में भी मैंने कभी हार का चेहरा नहीं देखा है। 1995 में मैं पहले विधानसभा चुनाव से ही मैं मंत्री बन गया था। हर पद पर काम करते हुए मैंने बिना बदनामी के कठिनता और मेहनत से कार्य किया है, जिससे मैं अपनी छोटी सी जिंदगी में समाज, समुदाय, क्षेत्र और राज्य के विकास में और लोगों की सेवा में बहुत सा योगदान दिया है। इसीलिए मुझे अपने जिंदगी से, कर्मों से कोई गिला, शिकवा, पछतावा, कोई दुख, कोई गम नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले को मैं अपनी हार नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं अगर कोई क्लैरिफिकेशन, रिव्यू पिटीशन या SLP दायर करूँ तो मैं पक्का जीतूंगा, जहाँ जजों का फिर से कम 80-90 करोड़ रुपए का कमाई होगा। मेरा संदेश इस राज्य और देश की नादान व भोली भाली जनता को, मेरा संदेश सरल और साफ है। जनता, मैं मेरी प्यारी जनता को अपील और विनम्र निवेदन करता हूं कि मैं हमेशा राज्य और समाज हित में ही अपना अमूल्य वोट दें। कभी किसी के दबाव में आने वाले कल को मत मारे और ना ही किसी बाहुबली को अपने ऊपर हावी होने दें। चुनावी समय में बांटे गए शराब और पैसों के लिए अपना भविष्य और आने वाली पीढ़ी को दलदल में ना धकेले और ना ही अपने हक के लिए किसी और से समझौता करे। अपना वोट देने से पहले एक बार अपने बच्चों को देख ले और उनके भविष्य के बारे में सोच ले। मैं पक्का दावा करता हूं कि आपका वोट सही उम्मीदवार को ही जाएगा। जनता को उम्मीदवारों की खोखला और चुनावी जुल्मों को पहचानना चाहिए। वोट मांगने पर उनसे सच गलत का सवाल करना चाहिए। मैंने काफी बार यह देखा है कि समाज के बहुत से ईमानदार लोग वोट देने से कतराते हैं, यह सोचते हैं कि उनके एक वोट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि यह सोच गलत है। जनता का एक एक वोट हीरे जितना कीमती और बहुमूल्य होता है, क्योंकि उस वोट में लोकतंत्र की वह ताकत होती है जो हर बाहुबली और तानाशाह को उखाड़ फेंकने के सक्षम होती है। जनता यह तय करे और उनके यह फर्ज है कि वह सोच समझकर अपने हितों में आने वाले उम्मीदवारों को भी वोट देकर विजयी बनाए, फिर चाहे वह किसी भी कौम, मजहब या समाज का हो। जनता को वह एक पढ़े लिखे, संस्कारी, उच्च विचारों से ओत प्रोत, राष्ट्रीय चिंतन, अपने जीवन में कड़े संघर्ष किया हो, अपने जीवन में दुख देखा व सहा हो और देशभक्त उम्मीदवार को चुनना चाहिए, जिससे समाज के हर वर्ग को फायदा हो और राज्य देश सही दिशा में आगे बढ़ सके। विद्यार्थियों को मेरा संदेश इतना है कि वह अपनी पढ़ाई पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ करें। आप अपनी पढ़ाई को ही पूजा समझें और पूरी श्रद्धा व शक्ति के साथ अपने लक्ष्य को हासिल करें। आप विद्यार्थी जीवन में जो ज्ञान और समझ हासिल करते हैं, वही ज्ञान व विवेक अपने जीवन भर साथ रहता है। आपकी हर वक्त ज्ञान लेना, ज्ञान बांटना और ज्ञान में ही डूबे रहने की कोशिश होनी चाहिए। इस समय आप मिट्टी के एक कच्चे घड़े की तरह होते हैं, जिसके जैसे भी घुमाकर आकार दिया जा सकता है, लेकिन अगर पकने पर आकार दिया गया तो घड़ा फूट सकता है। इसीलिए इस वक्त को पहचान कर आप अपने जीवन को महान बना सकते हैं। मेरा आपसे यही कहना है कि अपने इस कीमती समय और जीवन को एक दिशा व लक्ष्य देकर एक महान पीढ़ी बनाने में अपना योगदान दें। अपने इस समय में राजनीति में ना आएं और ना ही इसे बुरी चंगलों में फंसें। ऐसा कर आप अपने कैरियर को बर्बाद कर सकते हैं। मेरा यह मानना है कि छात्र एक नॉन पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप है, जिसका काम हमेशा सरकार, नेता और अधिकारियों पर ध्यान व निगरानी रखना है। राज्य और सरकार में हो रहे गलत कामों को, भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ आवाज अगर छात्र संघ नहीं उठाएंगे तो कौन करेगा? एक बार अपनी पढ़ाई पूरी कर आप किसी भी क्षेत्र या पेशे में जा सकते हैं। लीडर्स, नेताओं और मंत्रियों को मेरा यह कहना है कि अगर आप राजनीति में आने की सोचते हैं तो जनता को अपने परिवार की तरह समझें और उनके दुख को अपना दुख समझकर उन्हें हर तरह से मदद करने की कोशिश करें। कहने का मतलब है कि बिना जनता के प्यार, सहयोग और आशीर्वाद के कोई नेता नहीं बन सकता, क्योंकि चुनावी माहौल और चुनावी रैलियों के दौरान उम्मीदवारों से भी ज्यादा उनके कार्यकर्ता और वोट देने वाले मतदाता बड़ी ही आशा और उम्मीद के साथ काम करते हैं, ज्यादा दौड़ धूप करते हैं, घर परिवार तक बंट जाते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, खून खराबे तक बात पहुंचने पर भी वह उम्मीदवार का साथ नहीं छोड़ते, केवल इसीलिए कि उनका उम्मीदवार चुनाव में जीतकर उनके हित के लिए काम करेगा। अच्छी सड़कें, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, युवाओं को नौकरी, उनके रहन सहन, खान पीन अच्छा हो, क्षेत्र में इकोनॉमी बढ़े। राजनीति में आने का मतलब कमाई करना ही नहीं है, बल्कि हम लोगों की सेवा करने आए हैं। अगर हमें कमाई ही करनी है तो हमें नेता बनने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन असल राजनीति तो उस सामाजिक धर्म का नाम है जिसमें
में आप अपना सुख चैन धन दौलत नींद आराम और सब कुछ त्याग कर समाज के हर वर्ण हर तबके को अपना कर जनता की भलाई करनी चाहिए। लेकिन मैं इस बात से दुखी हूँ कि अरुणाचल राज्य में नेता बनने के बाद वह जनता को भूलकर खुद की ही सेवा करने में लग जाते हैं। नौकरी की कहीं पोस्ट निकालकर वह अपने ही परिवार रिश्तेदार और जाति को ही चुनते हैं। ऐसी नौकरी तो किसी जरूरतमंद गरीब और हर तरह से पिछड़े हुए लोगों को ही मिलनी चाहिए। अगर यह गरीब इंसान को नौकरी दे भी देते हैं तो उनसे घूस मांगते हैं, किसी के प्रमोशन करने पर भी घूस मांगते हैं। राज्य में स्कीम्स जनता की जरूरत के हिसाब से नहीं बल्कि मंत्रियों और विधायकों के पैसे कमाने के मतलब से बनाई जाती है। यह लोग टेंडर पहले ही तय कर पैसों का हिस्सा भी तय कर लेते हैं कि किसको कितना परसेंट यह पैसा मिलेगा। असल में स्कीम सेक्शन होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट का काम एक साल में पूरा हो जाना चाहिए और प्रोजेक्ट बड़ा होने पर ज्यादा से ज्यादा 2 सालों के अंतर काम पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन अरुणाचल में एक प्रोजेक्ट को 8-9 साल का लंबा खींचा जाता है ताकि विधायक और मंत्री ज्यादा से ज्यादा अपनी जेब भर सके। उदाहरण के तौर पर आप राज्य में सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग, असेंबली बिल्डिंग और स्टेट हॉस्पिटल नाहरलगुन, एमएलए कॉटेज, कन्वेंशन हॉल को देख सकते हैं। इन योजनाओं को चलते हुए आज 11 साल से ज्यादा वक्त हो गया है। सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग ने राज्य के 4 मुख्यमंत्री को देखा है। इन सभी के कार्यकाल में घोटाले हुए वही योजना में फंड को 3-4 बार बढ़ाया गया, फिर भी यह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के अंदर मैंने जरूरी फंड और अल्टीमेटम देकर 4 महीने में ही सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के काम को पूरा करवाया। इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ असेंबली बिल्डिंग और स्टेट हॉस्पिटल नाहरलगुन में काम को भी पूरा करवाने के लिए जरूरी फंड देकर अल्टीमेटम दिया था। मैंने अपने पूरी मेहनत, जोश और हौसले के साथ काम किया था और वही मेरी कर्तव्य है। मैंने अपने विधान क्षेत्र के अंजाव जिले में 11 माइक्रो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण समय और सही फंड से करवाया। पहाड़ी और बॉर्डर क्षेत्र होने के बावजूद भी हमने विकास किया, जिसके कारण जिले के डीसी हेडक्वार्टर, सीओ हेडक्वार्टर में आज 24 घंटे बिजली व्यवस्था उपलब्ध है। जबकि राज्य की राजधानी ईटानगर और सबसे पुराने शहर पासीघाट, जीरो, आलो व तेजू में आज भी बिजली की कमी है। मैंने हवाई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में टाउनशिप वाटर प्रोजेक्ट योजना को पास करवाया। 14 करोड़ की इस योजना को पूरा करना आसान नहीं था। पहाड़ी क्षेत्र की वजह से हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन फिर भी इस काम को 2 साल में ही पूरा करवा दिया गया। आज क्षेत्र के 2 टाउन न्यू एंड ओल्ड और 5 बस्तियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। तेजू में भी पानी की ऐसी ही एक योजना को मैंने और प्रशांत लोखंडे सेक्रेटरी प्लानिंग ने मंजूर करवाया था। प्लेन एरिया होने के बाद भी 24 करोड़ रुपए के फंड को खत्म कर इसे आज तक पूरा नहीं किया गया है, जबकि उस फंड का मिसयूज हुआ है। एक्स एमएलए कारिखो करी और उसके इंजीनियर भाई ने पैसों का मिसयूज किया था। तेजू में आज भी लोगों को सप्लाई पानी की तकलीफ है। इस तरह तेजू टाउनशिप में सड़क सुधारने की बहुत सी योजनाएं थी, जिसे अलग अलग सोर्सेज SPA, TFC एंड नॉन प्लान से 4 सालों में 29 करोड़ रुपए का फंड दिया था, जबकि इस पर कुछ भी काम नहीं किया गया और पैसे का मिसयूज हुआ। जबकि सड़क को अभी भी बनना और मरम्मत करना बाकी है। राज्य में ऐसे ही और भी बहुत से जिलों में विधानसभा क्षेत्रों और कस्बों में योजनाएं बनाई, प्रोजेक्ट सेक्शन किया गया, पैसा खत्म हो गया, लेकिन काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन इस राज्य में कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है, जिसके कारण राज्य में बहुत सी योजनाएं आगे नहीं बढ़ पाती और बीच में ही लटक जाती है, जिनका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है और राज्य विकास नहीं कर पाता है। आज के समय में जनता देश में हो रहे भ्रष्टाचार का खुद शिकार है। उसे देखती है, सहती है, लेकिन आवाज नहीं उठाती है, जबकि सरकार को वही चुनती है। ऐसी स्थिति में सच्चाई का मरना तो तय है। आज जनता को एकजुट होकर एक स्वर में भ्रष्ट तंत्र का विरोध करना चाहिए। ऐसी हालत में राज्य और जनता के बारे में कौन सोचेगा, कौन उनके हितों को आगे बढ़ाएगा, यह जाए तो कहां जाए। पुलिस और प्रशासन का काम लोगों के जान माल की रक्षा सुरक्षा करना है, लेकिन आज यह नेताओं की चापलूसी करते हैं, उनके साथ मिलकर राजनीति करते हैं और सिर्फ उन्हीं के लिए काम करते हैं। आज न्यायालय का काम सच का फैसला करना, झूठे और भ्रष्ट लोगों को सजा देना है, फिर चाहे वह अधिकारी, नेता और मंत्री ही क्यों ना हो। लेकिन आज लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के वकील और जज भी बिके हुए हैं। ऐसे में सच्चे, भोले, निर्दोष, मेहनती और अच्छे व्यवहार वाले लोगों का क्या होगा। ऐसे में सिर्फ भगवान ही लोगों की सुरक्षा कर सकते हैं। हे भगवान, आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस जनता को बुद्धि ज्ञान दे, सोच समझ दे। मैं राज्य में
में हो रहे इस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता था, सरकारी योजनाओं और जनता के पैसे को विकास के कामों में उपयोग करना चाहता था, अपने राज्य और जनता को देश के अन्य राज्यों व दुनिया के बराबर और उससे भी आगे बढ़ाना चाहता था। लेकिन शायद यह बात मेरे साथी विधायकों को अच्छी नहीं लगी। मैं पूछता हूँ कि यह जनता कब जागेगी और कब इसे होश आएगा? कब इन जनता चुनावों में नेताओं की महंगी कारों को देखकर शराब व थोड़े से पैसे लेकर और उनके झूठे वादों को सच मानकर वोट देती रहेगी? सच तो यह है कि जनता खुद ही बेवकूफ बने रहना चाहती है, इस सच से दूर भागती है। जनता अपने आप तय करे कि उन्हें क्या करना है। मेरा काम तो जनता को सच बताना है, लेकिन फैसला जनता के हाथ में ही है। अपने 23 सालों के राजनीतिक सफर में अलग अलग मंत्री पद पर रहते हुए मैंने राज्य और जनता के हित में जो काम किया, जिस भी विभाग में काम किया, अपने विधानसभा क्षेत्र में काम किया, वह शायद आपको नहीं दिखा। लेकिन अपने 4.5 महीने के मुख्यमंत्री कार्यकाल में जो मैंने कार्य किया, वह राज्य और जनता के हित में ही किया गया था, जिसे आप सभी ने देखा, सुना व समझा और सराहा भी है। मैं अरुणाचल और देश की जनता को, खासकर युवा पीढ़ी को धन्यवाद देता हूँ कि सोशल मीडिया पर 17 लाख से भी ज्यादा लोगों ने हमारी सरकार के काम, नीतियों, योजनाओं और फैसलों का समर्थन दिया और सराहा है। इन बातों को बताने में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, ना ही मुझे किसी का भय है, ना मैं कमजोर हूँ, ना मैं इसको अपना समर्पण मानता हूँ। इन बातों को कहने से मेरा इरादा जनता को जगाना है, उन्हें सरकार, समाज, राज्य और देश में ही रहे इन गंदे नाटकों, लूटपाट और भ्रष्ट तंत्र के सच के बारे में बताना है। लेकिन लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर है, वह कोई भी बात जल्दी भूल जाते हैं, इसीलिए उन्हें बातों को ध्यान में रखते हुए मैं जनता को याद दिलाना, जगाना, विश्वास दिखाना, समझाना और विचार करने के लिए यह कदम उठाया है। मैंने अपनी छोटी सी जिंदगी में सब कुछ सहा है, देखा है, अनुभव किया है, बहुत सा संघर्ष किया है, कई बार औरों की खुशी व समाज के हित के लिए बलिदान भी दिया है, लेकिन मैं कभी हारा नहीं, ना ही कभी मैंने हार मानी है। मैंने हमेशा ही राज्य और जनता के हित में फैसला लिया है। मैंने अपना सुख, चैन, समय, स्वास्थ्य, धन दौलत, नींद, आराम, घर परिवार और अपने आप को त्याग कर जनता को समर्पित किया है। मैंने अपनी हर सांस पर, हर लम्हा, हर वक्त और सब कुछ जनता के हितों के लिए त्यागा है। छोड़कर समाज, राज्य और देश के हित में थोड़ा समय दे, 1% भी एहसास कर, विचार कर और समझ कर कुछ भी सुधारते हैं, अपने कर्म और सोच विचार में लूट लालच को, मांगने छीनने को, लड़ने झगड़ने को छोड़कर समाज, राज्य और देश के हित में थोड़ा समय दें और कुछ अच्छा काम करें। मैं चाहता हूं कि मेरे दिल की यह बात, सोच विचार, अनुभव और संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि मैं आपको समझा सकूं, जगा सकूं और सच्चाई की लड़ाई में आपको हिम्मत और ताकत दे सकूं। कालिखो पुल। तो जब हम दूसरा जगह को देखता है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड को देखता है, वहां का डेवलपमेंट को देखता है और यहाँ का जो माहौल को जब देखता है, पैसा बर्बाद हो रहा है, काम होने नहीं देता है, हर जगह लगा है झगड़ा, लूट मार, हर कोई एक इंडिविजुअल अपना इंटरेस्ट में घूम रहा है, तब हमको दुख होता है। इसलिए हम सोचता है कि मेरे लीडरशिप में कुछ अच्छा काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिला अधिकारी से लेकर न्यायपालिका तक मैंने सभी से गुहार लगाकर देख चुकी हूँ, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की, अतः इस मामले को लेकर हर तरह से निराशा ही मिली और अब तक किसी भी प्रकार की आशा की आवाज नहीं हुई। अतः आपसे आखिरी प्रार्थना है कि आप मेरी व्यथा को सुनने की कृपा करें और इस मामले को जांच कराकर मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें। किसी राजनीतिक पक्ष से नहीं, बल्कि किसी बच्चों के पिता और विधवा पत्नी को, उनके पति अर्थात पिता को न्याय दिलाने की कृपा करें। प्रार्थनीय श्रीमती दमन साईपुल।